once again. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर एक आईपीओ का मेला लगा हुआ है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया आईपीओ मार्केट के अंदर आ रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो चुकी है कि भाई इतने आईपीओ आ चुके हैं मार्केट के अंदर, हमें किस आईपीओ के अंदर निवेश करना चाहिए और किस आईपीओ को हम अवॉइड करें। ये सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रहा है कि निवेशकों के बीच में आ रही होगी। तो दोस्तों देखिए, सभी आईपीओ निवेश लायक नहीं होते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया था कि जो कौन सा बेस्ट आईपीओ है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि इतने सारे जो आईपीओ आ चुके हैं उसके अंदर से बेस्ट आईपीओ कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाक से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे जो आईपीओ आ चुके हैं अभी तक जो एक दो दिन के अंदर ओपन हुए, अगर हम बात करें अनुपम रसायन की, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की, तो इन तीनों में से हम देखेंगे कौन सा आईपीओ बेस्ट है। और कल्याण ज्वेलर्स का भी ओपन हो चुका है लेकिन अभी उसके हमने अभी डिटेल्स नहीं देखी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आईपीओ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। और बात करें 15 मार्च को ओपन हो रहा है, 17 मार्च को ये आईपीओ क्लोज हो रहा है। इस आईपीओ की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये प्रति शेयर की है और इसका जो लॉट साइज़ है वो 115 शेयरों का लॉट साइज़ है। ठीक है, आपको सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको इसका जो प्राइस है आईपीओ का वो 129 रुपये से लेके 130 रुपये के मध्य है। तो आपको जो मैक्सिमम है वो 130 रुपये पर बिट लगानी है। इसके हिसाब से जो आपको पैसों की आवश्यकता होगी वो होगी 14,950। इससे ज़्यादा पैसे लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एक लॉट से ज़्यादा बिल्कुल भी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करें। मिलना होगा तो सिर्फ एक ही लॉट आपको मिलेगा। 3, 4, 5, 6 लॉट के अंदर अप्लाई करके अपने पैसों को 7-8 दिन के लिए ब्लॉक ना करें। बात करें इसके अलॉटमेंट की तो 22 मार्च को अलॉटमेंट मिल जाएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 25 को। आज के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का और पहले ही दिन लगभग ये 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ का। और बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रे मार्केट प्रीमियम कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, तो इसका लगभग 80 से 85% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और आप इसको सीधा राउंड फिगर में 100 रुपये के आसपास समझ सकते हैं कि 100 रुपये के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और आज की डेट के हिसाब से ये 80% प्रीमियम पे लिस्ट होगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी आईपीओ के अंदर निवेश करना है, 3 आईपीओ की बात कर रहे हैं हम, अनुपम रसायन की, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की और लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो इसके अंदर से आपकी जो सबसे पहली चॉइस होगी वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की होगी। इसको आप बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अनुपम रसायन को रख सकते हैं। अनुपम रसायन में भी लगभग 200-250 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और रही बात क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की, तो मुझे लगता है इस आईपीओ को आप अवॉइड करें तो अच्छा होगा। इन पैसों को अगर आप इस आईपीओ में ब्लॉक ना करके नज़ारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है शायद उसके अंदर निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और नज़ारा टेक्नोलॉजी का जैसे ही वीडियो वो आईपीओ आएगा तो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में से बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, उन पैसों को आप बचाइए और किसी दूसरे आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है। आपके पहले नंबर की चॉइस रहेगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, दूसरे नंबर की आप अनुपम रसायन को ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ के लिए जो वीडियो बनाए हैं आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, और नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।